गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 15 वाटर अराउंड अस पार्ट 3. टॉपिक फर्स्ट है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज कंज्यूम ड्यूरिंग, यानी कि वायु में ऑक्सीजन हमारा उपस्थित होता है. इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग यानी कि किस दौरान वो खपत होता है. नंबर फर्स्ट है रेस्पिरेशन बाई प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पौधों और जानवरों द्वारा श्वसन के दौरान खपत होता है. सेकेंड है कंब्यूशन बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स, दहन जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना. इन बोथ द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यानी कि दोनों प्रक्रियाओं में CO2 और H2O हमारा उत्पन्न होता है. दिस प्रोडक्ट एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि यह उत्पाद वातावरण में वापस चला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन का उत्पन्न होना. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ वंडरफुल एक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे की अद्भुत गतिविधियां होती हैं. नंबर फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हरे पौधों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल है, इक्वल टू मिलेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में. नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर सबस्टांस प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि क्लोरोफिल एक हरे रंग का सबस्टांस होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, फिर उपस्थित होता है. नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन ये बहुत ही मूल्यवान होता है. द रिलीज ऑक्सीजन एस्केप इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स. जारी ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से हवा में निकल जाता है. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है. नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप बाय द प्लांट. प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होती है. देयरफॉर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन ऑलमोस्ट फिक्स्ड, इसलिए वातावरण में ऑक्सीजन का अनुपात लगभग स्थिर रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ एयर, यानी कि हवा का प्रयोग. वाइंड एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी, यानी कि गतिमान वायु की गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है. फर्स्ट पॉइंट है वाइंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड मटेरियल बाय यूजिंग सेलबोट्स. पवन ऊर्जा का उपयोग नाव का उपयोग करके लोगों और सामग्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है वाइन एनर्जी इज यूज फॉर पंपिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स सच एज वीट ग्राम मैज ETC बाय यूजिंग वाइन मिल्स, यानी कि पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों का उपयोग करके भूमिगत जल को बाहर निकालने गेहूं चना मक्का आदि अनाज को पीसने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है वाइन एनर्जी इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाइन मिल्स, यानी कि जो हमारी वाइन एनर्जी होती है उसका प्रयोग हम बिजली को उत्पन्न करने के लिए करते हैं बायोजिंग वाइंड मिल्स, यानी कि पवन चक्की का प्रयोग करके. नेक्स्ट है वाइंड एनर्जी आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर पैरासूट्स एंड एरोप्लेन्स, यानी कि जो वाइंड एनर्जी होती है वो ग्लाइडर्स पैरासूट और एरोप्लेन्स के मूवमेंट में भी सहायता प्रदान करती है. अ वाइंड मिल कैन बी यूज फॉर रनिंग ऑफ वाटर पंप ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पवन चक्की का उपयोग पानी पंप चलाने अनाज पीसने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है. लास्ट है एयर और वाइंड आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड पॉलन ऑफ फ्लावर ETC. वायु या वायु बीज के प्रकीर्णन फूलों के परागकण आदि में भी सहायता प्रदान करता है. थैंक यू.